जी आया नू, वेलकम टू माय चैनल वन बीआर हैदर टीवी। किसान भाइयों, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमने जो पनीरी काश की है तहफ्फुज़ कंपनी की तरफ से पाक चीन दोस्ती का एक नया बाब रकम करने के लिए, तो वो बीज हमारा माशाल्लाह से अब उगाओ के कुछ मराहिल तय कर चुका है। आज पाँचवा दिन है, तो मैं आपको लाइव दिखाना चाहता हूँ कि बीज ने ग्रोथ करनी शुरू कर दी है। अब इसकी जो है ना ग्रोथ का अमल काफ़ी तेज़ी से शुरू हो गया है। काफ़ी हद तक तमाम बीज जो है ना वो अब निकल कर टिलरिंग की तरफ शुरू हो चुके हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बीज तमाम बीजों का उगाऊ भी अच्छा है और देखने में भी बहुत खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा किसान भाइयों कि इस स्टेज पर बीज की जर्मिनेशन का अमल काफ़ी हद तक वाजिया नज़र आना शुरू हो जाता है कि हमारे कितने बीज अच्छे हैं और कितने बुरे हैं, क्योंकि इसी स्टेज पर हम फैसला करते हैं कि हमारी धान की पनीरी कितना रकबा काश कराएगी और हमें इससे कितना एक फ़ायदा होने वाला है। तो बीज की पहचान का भी असल मरला यही होता है कि इसमें बीज की जर्मिनेशन कितनी है और बीज कितना अच्छा है। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में मैं जो आपको दिखा रहा हूँ कि हमारे बीज की तो जर्मिनेशन काफ़ी अच्छी हुई है, और मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि जिस तरह हमने ये वैरायटी काश की है और बीज की जर्मिनेशन आपको दिखा रहे हैं, आप भी इसी तरह तहफ्फुज़ और पाक चाइना का ये बीज इस्तेमाल करवाएं और आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और बीज की जर्मिनेशन की बात करें तो ये कम से कम मेरे हिसाब से तो 90% बीज का उगाव हो चुका है। 10% जो अभी बीज ज़मीन के अंदर या छुपा हुआ नज़र नहीं आ रहा, वो भी इंशाल्लाह से वाला निकाल कर निकलना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट लम्हा बा लम्हा मैं आपको इसकी तमाम मालूमात फराम करता रहूँगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी तमाम नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक लम्हा बा लम्हा पहुँचती रहें, और कमेंट के ज़रिए अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा ताकि मेरी इससे हौसला अफजाई हो जाती है, मैं आपके लिए इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो और भी बनाता रहूं। और अगर आपको इसमें कोई कमी बेशी लगती है तो आप अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, लाइक करके अपने होने का सबूत दीजिएगा। अगर मेरा चैनल आपको पसंद है तो दोस्तों से भी शेयर करें, और मेरी वीडियो इंफॉर्मेटिव वीडियो होती हैं और दोस्तों से इसलिए शेयर किया करें ताकि उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा हो। और राबता करने के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप मुझसे किसी भी और फसल के बारे में मालूमात लेना चाहें तो मुझसे राबता कर सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही। अपने दोस्त इब्रार हैदर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। जी आयनू, खुश रहो, सलामत रहो।